हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टेबल आइस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी जबरदस्त चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में और साथ ही 2021 के जून मंथ के नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए और बिना समय को गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके एवरीवन, तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ ये है कि 2020 का जो आपका यूजीसी नेट जून और दिसंबर का जो नोटिफिकेशन था, कोविड 19 की वजह से डिले होता गया और फिर दिसंबर का जो नोटिफिकेशन था वो आपका 2021 में देखने को मिला। एग्जाम आपका होने वाला था मई में, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। उसके ऊपर क्या अपडेट आया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही अब हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट 2021 का आखिरकार नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है। यूजीसी नेट ने अभी तक अपना नोटिफिकेशन यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का अभी तक क्यों रिलीज नहीं किया है। हालांकि अगर आप यूजीसी का जो अदर एग्जाम है, जो एनटीए एग्जाम अदर एग्जाम लेती है, लाइक आपका जेई मेन ले लें या आप नीट एग्जामिनेशन ले लें, तो उन लोगों का अभी नोटिफिकेशन दिख रहा है, लेकिन यूजीसी नेट का ही क्यों नहीं दिख रहा है। आखिरकार इंडिया में, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि प्रोफेसरों की कमी, मतलब कि इतना ज़्यादा है, प्रोफेसर हैं ही नहीं, फिर भी कॉलेज मतलब कि पढ़ाने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ से जॉब निकलता है और जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, अपने कैरियर को एक बूस्टअप दे सकते हैं, वहीं पे वैकेंसीज या वहीं पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। यूजीसी नेट, बच्चा आप सोचता है कि चलो अदर एग्जाम में नहीं हो रहा तो यूजीसी नेट में ट्राई करते हैं और यहाँ पे अपना कैरियर सेट करते हैं, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा है। तो अब उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि जून 2021 का आखिरकार नोटिफिकेशन कब आने वाला है। एवरीवन, जून निकल चुका है, जुलाई आ गया है, नोटिफिकेशन के बारे में क्या अपडेट है। मैंने जिन लोगों से बात किया है और यूजीसी में मैंने बात किया, तो वहां से जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चला है उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे ये कहा है कि जून का जो नोटिफिकेशन है वो अभी इसलिए डिले हो रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि दिसंबर 2020 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसका एग्जाम मई में होने वाला था, वो एग्जाम का डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब एवरीवन, सोचने वाली बात यह है कि एग्जाम का डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। आखिरकार क्यों क्लियर नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्था है, यहाँ पे यू कहे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि थर्ड वेव कोविड का आने वाला है, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रकोप दिख नहीं रहा है कि थर्ड वेव आ रहा है। लेकिन लोगों का मानना है कि थर्ड वेव आने वाला है और वो जून और जुलाई में ही हो सकता है कि आए, इसलिए जून और जुलाई में डिले किया जा रहा था कि अगर जून में आता है थर्ड वेव या जुलाई में आता है थर्ड वेव तो नोटिफिकेशन हम अगस्त में निकालेंगे। यानी कि नोटिफिकेशन जो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का 2021 जून का जो नोटिफिकेशन था वो आपका अगस्त में निकलने की संभावना है, लेकिन जुलाई में भी निकल सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा, चाहे वो अपडेट जिस तरह का भी हो। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अगर बात कर ले तो एवरीवन, जून में किसी तरह का अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग। जुलाई में, यानी कि कल से जो हम लोग जुलाई में इंटर करने वाले हैं, तो जुलाई में हो सकता है कि 10 जुलाई से पहले आपको किसी तरह का न्यूज देखने को मिले। अब वो न्यूज किस तरह का हो सकता है, कि अभी और डेट एक्सटेंड होने वाला है या किसी तरह कोई न्यूज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सप्ताह में एक बार एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आपको अपडेट करवा देता हूं। पिछले वीक में जो वीडियो बनाया था और अपडेट करवाया था, अब इस वीक का ये वीडियो है जिसमें मैं आपको अपडेट करवा रहा हूं। 15 जुलाई से पहले, अभी तक 15 जुलाई से पहले किसी तरह का कोई अभी नोटिस नहीं आने वाला है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2020 का हो, दिसंबर 2020 वाला हो, या जून 2021 का नोटिफिकेशन हो, किसी तरह का भी नहीं आने वाला। अगर आ गया तो सबसे पहले आपको अपडेट मैं करवा दूंगा, वीडियो बना करके डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना और उसके अकॉर्डिंग जो आपको काम करना होगा वो करते रहना। फिलहाल में बस यही मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपना जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है उस सब्जेक्ट को पूरा कीजिए, क्योंकि आपदा में जो अवसर मिला है ना आपको, यूजीसी नेट हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए जिसमें अगर आपने फॉर्म डाला है और ये आपदा में जो अवसर मिला है आपको 2 से 3 महीने का, इसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कीजिए। अगर आपका 2020 के दिसंबर वाले यूजीसी नेट में हो जाता है तो जून वाले की क्या जरूरत है, सवाल ये है, समझ रहे हैं? लेकिन इसके लिए तो यही है ना कि जीवन भर आप फॉर्म भरते रह जाएंगे अगर तैयारी नहीं हुआ तो, और हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे। इससे बेस्ट चांस ये है कि जितना दिन डिले हो रहा है, चाहे वो 10 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, इस समय को ना यूटिलाइज कीजिए, पूरा फुल यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से
पेपर वन पेपर टू पे अपना कमांड कीजिए, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपको ड्रीम है, चाहे आपका वो ड्रीम यूजीसी नेट का हो या यूजीसी जीआरएफ का हो, दोनों ड्रीम को अगर जैसे ही आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको तैयारी पे अपना पूरा मतलब कि जान डालना पड़ेगा। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, जितना आपको समय मिला है पढ़ाई कीजिए, रिविजन कीजिए, और सबसे बड़ा जो मंत्र होता है वो होता है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट का रिविजन कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी पीसीएस स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो रात को 8:30 बजे से 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का क्लासेस उस पर लाइव आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसमें आप ज्वाइन करके आप भी चेक कर सकते हैं। वहां से आपका हो सकता है कि पेपर वन से कुछ क्वेश्चन फंस जाए, अगर कुछ लर्नर्स का हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन फंस जाए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके दोस्त होंगे उसमें शेयर करना मत भूलिएगा। ओके एवरीवन, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।